अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। हाँ धीरेन्द्र, क्या हाल है भाई? अरे वाह, कब? परसों? वेरी गुड। कौन? दोनों डाकर भी? क्या मैच देखना है? कितने बजे? 12? अजी सुनते हो? आ रहा। 12 बजे मैं नहीं आ सकता यार, वो मैंने ना तेरी भाभी को ना यार वो शॉपिंग करवाने का वादा किया यार, अगर इस बार मना करवा दिया ना तो यार गड़बड़ हो जाएगी यार, जिंदगी में रायता फैल जाएगा भाई। किसकी जिंदगी में रायता फैल जाएगा शर्मा जी? नहीं नहीं यार, मैं नहीं आ रहा यार। नो, फॉर मी फैमिली कम्स फर्स्ट। भाई मैंने मिसेस शर्मा को शॉपिंग का वादा कर दिया है तो बस फैमिली फर्स्ट। पंडित जी? हाँ जी। किसी फैमिली का इंपॉर्टेंस समझा रहे थे आप? किसी नहीं यार, वैसे ही। अच्छा समझा रहे थे, गुड गुड बॉय। अरे यार, ये इसका क्या करूं यार अब समझ। किसका क्या हुआ? ये धीरेन्द्र का फोन आ रहा है यार। धीरेन्द्र भाई साहब। वो दोनों डागर भी टाउन में आए हुए हैं यार। ओहो, बचपन के सारे दोस्त आ गए। क्यों? मिलने का प्लान बना रहे हैं, मैच देखना है। कल 12 बजे। मैंने मना कर दिया, मैंने बोल दिया मैं नहीं आ सकता भाई। दोहन डागर धीरेन्द्र, सॉरी, नो मीन्स नो, नो बस। जाना है? नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाना है ना? देखिए शर्मा जी, अब आप दोहरी बातें कर रहे हैं। दोहरी बातें मतलब? आपका ये जो बात करने का तरीका है ना, उसे भावनात्मक भय दोहन कहते हैं। है? हाँ? ये क्या? भावनात्मक भय दोहन? आप पति आपका काम हमसे निकलवाने के लिए आपकी भाषा में करते हैं ना, उसे इमोशनल अत्याचार कहते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना। ओह, शर्मा कमाल हो गया, ये तो बीवियां अक्सर करती हैं, तुम तो हमेशा करती हो। हाँ हाँ, हम करते हैं, लेकिन आपके इतना नहीं करते हैं शर्मा जी। क्या बात कर रही हो मिसेस शर्मा, लो घंटी भी कह रही है। अरे शर्मा जी, मेहमान आ गए, क्या कर रहे हैं आप? वेलकम टू शर्मा हाउस। थैंक यू सो मच मिस शर्मा। हाँ जी। ये मिस्टर मिसेस तंवर हैं, जयपुर से, राजस्थान से। और ये मिस्टर मिसेस तिवारी हैं, इलाहाबाद से। अच्छा, यूपी से। अच्छा, तो तिवारी आप, आपके बारे में कुछ बताइए ना। ये मेरे परमात्मा जी मिस्टर दीपक तिवारी, जो कि बहुत ही मासूम है। इनकी सबसे अच्छी खास बात है कि ये बहुत कम बोलते हैं। ये है मेरी बीवी पूजा तिवारी, जो कि थोड़ी जिद्दी बट बहुत मासूम है। शादी के बाद हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ 4-5 महीनों के बाद मेरी बीवी मुझ पर हर काम करवाने के लिए थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार करने लगी, और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसी को कम करने के लिए और उसका उपाय ढूंढने हम यहाँ पर आज मिस्टर शर्मा के आए हैं। मेरा विलेज इलाहाबाद है और मैं मुंबई से ही हूँ। अभी मैं फिलहाल पढ़ाई कर रही हूँ। शादी नहीं करनी थी, लेकिन घर वालों ने बहुत फोर्स किया। जुलाई में हमारे घर वालों ने देखा, अगस्त में इनके घर वालों ने देखा, अक्टूबर में हमारी सगाई हो गई, चट मंगनी पड़ गया, एंड अप्रैल में शादी। अरे वाह, क्या बात है। मैं दीपक तिवारी हूँ, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। पुणे में MBA करने के लिए आया था, फिर यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन के थ्रू यहाँ पर मुंबई में ब्लू डार्ट ऑफिस में सिलेक्शन हुआ मेरा। तो उसके बाद फिर पापा ने एक दिन फ़ोन करके बोला मेरे से कि कोई देखने आ रहे हैं, तो उम्र छोटी थी तो मैंने सोचा कि मैं भी पूछ लेता हूँ। तो मैंने इनसे यही पूछा कि आपको आगे पढ़ना है, तो बोली हाँ। तो मैं बोला कि कोई फोर्सफुली शादी तो नहीं करा रहा, बिकॉज यू आर वेरी यंगर, मतलब आप बहुत छोटी हैं। और खूबसूरत भी हैं। खूबसूरत तो है। कितनी छोटी है आपसे? 4 years। अरे 4 years, पक्का बताइए? 3 या 4? 4 years। अच्छा, 4 साल चली। अच्छा, और हमारी सगाई हुई थी 28 अक्टूबर, उसके बीच में हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। आप दोनों छुप छुप के मिलते थे, पेरेंट्स को पता नहीं था, ऐसा कुछ होता था? मॉर्निंग कॉलेज रहता था 6-7 o'clock to 1 o'clock तक, वो फिर मंथ का कोई एक सैटरडे वो फिर इनके नाम पे होता था। अच्छा, बंक करते थे आप? अभी आप बताइए आपके बारे में, आपके शादी के बारे में। ये मेरे पति देव
मिस्टर तरुण तनवर ये बहुत आलसी है लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। ये है मेरी धर्मपत्नी सीता जी, बहुत प्यारी है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, बहुत रिस्पॉन्सिबल भी है, लेकिन थोड़ा खर्चा ज़्यादा करती है। हमारी शादी अरेंज मैरिज है और हमारी शादी को 8 महीने हो चुके हैं। शादी के बाद में सब कुछ अभी तक फिलहाल ठीक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे इनका इमोशनल अत्याचार थोड़ा स्टार्ट हो गया पिछले 4-5 महीनों से। तो इसी समस्या को लेकर हम मिस्टर शर्मा के घर यहाँ पे आए हैं ताकि हमें इसका कुछ सॉल्यूशन मिले। मैं बेसिकली जयपुर से बिलोंग करता हूँ, फैमिली वगैरह सब वहीं पे हैं और मैं पिछले 4 साल से यहीं पे मुंबई में जॉब कर रहा हूँ मेडिकल डिवाइसेस कंपनी में। हमारी टोटली प्योर अरेंज मैरिज है। मेरा एक फ्रेंड है, रिलेटिव फ्रेंड है, उनके थ्रू मतलब इनका रिश्ता आया था, तो मैंने फोटो देखी, अच्छी लगी, फोटो भी अच्छी लगी, तो मैं उसी दौरान घर जाने का हुआ तो उन्होंने बोला आके मिल लो एक बार जाके। जब फर्स्ट टाइम गया मिला तो मेरा फिदा हो गया। आप बताइए मिसेस तंवर। मेरा नाम सीता है, मतलब मैं गंगापुर सिटी से हूँ। मेरी फ़ोटो मेरे घर वालों ने इनके पास भेज दी थी, इन्होंने देख ली थी और फिर बाद में इनकी फ़ोटो मेरे पास में आ गई थी, मैंने देखते ही मतलब पसंद कर लिया। आपने नई नवेली है ना, अभी शर्मा रही है। दिवाली के टाइम ये मिलने के लिए आए भी थे, मैंने इनके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। मेरे शादी से पहले? शादी से पहले। आपने भी रखा था? नहीं, इन्होंने नहीं रखा, मैंने नहीं रखा। फिर मैंने इनको बताया कि मैंने आपके लिए व्रत रखा, बहुत खुश हुए ये। पहले तो मतलब लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, फिर उसके बाद में एक रेस्टोरेंट में मिले, वहाँ पे खाना वगैरह खाया था, इन्होंने मुझे साड़ी गिफ्ट की थी और मेरे लिए बहुत सारी चीजें भी लेके आए थे, चूड़ी वगैरह। मजा आया था? हाँ, बहुत मजा आया। लेकिन ये बताइए घर में चलती किसकी ज्यादा है? 90% मेरी ही चलती है और 10% इनकी चल जाती है, थोड़ा दया खा के सुन लेती हूँ इनकी। अच्छा, आपको आपको लगता है कि आपकी सिर्फ 10% चलती है, इनकी 90% चलती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मौका ही नहीं देती ना मैं चलाने का, ये मुझे पता है मैं सही चलाती हूँ तो मैं ही चलाती हूँ। अच्छा। और आपके घर में किसकी चलती है? इनकी चलती है मोस्टली, मेरी भी चलती है जब ही चलाने देती है, इनकी कुछ कुछ ज्यादा मेरी। अच्छा, कुछ ज्यादा आपकी। शर्मा जी, आप आपका फोन प्लीज साइलेंट पे रखेंगे। थैंक यू। क्या है ना, सुबह से फोन मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। हम दोनों का प्लान हुआ था कि कल शर्मा जी मुझे शॉपिंग पे लेके जाएंगे, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों से गए नहीं है। लेके भी जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आगे सुनिए। लेकिन अचानक उनके बचपन के दोस्तों का फोन आ गया और उन्होंने मैच देखने का प्रोग्राम बना लिया, तो कब से सारे हथकंडे आजमा रहे हैं, हाँ, शॉपिंग का प्रोग्राम कैंसिल करके मैच देखने जाने के लिए, इसलिए पूरा हाँ इमोशनल अत्याचार चल रहा है। मैंने मना कर दिया उनको, बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने उन्हें बिल्कुल मना नहीं किया, इसलिए फोन आ रहे थे उनके बार बार। आपके घर में होता है ऐसे इमोशनल अत्याचार? हाँ होता है। कैसा, कौन करता है ज्यादा? वैसे तो मैं करती हूँ, बट आजकल मेरा देखा देखी ये आजमा रहे मेरे पे। किसका कोई बताइए ना कैसे कि आपने? मेरा जैसे होता है, मुझे घूमने का शौक बहुत है और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक ही दिन मिलता है संडे, तो उसमें भी उनको ऐसा लगता है घर पे सो। आई मीन कॉलेज करती थी, सो कॉलेज के फ्रेंड्स, मेरी जॉइंट फैमिली थी, फैमिली के साथ बाहर घूमना, मतलब यूजली बाहर ही रहती थी, घर में कम बाहर ज़्यादा। तो अभी मैंने उनको रिसेंटली एक चीज़ कह दी, आपके भरोसे तो मैं कहीं जा नहीं पाती, फिर एक दिन ऐसा होगा मैं बिना बताए निकल जाऊँगी फ्रेंड्स के साथ, फिर ये मत कहना कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, तुम मुझसे पूछी नहीं, फिर बुरा लगेगा, लाइक मैं बिना बताए जाऊँगी, तो फिर सोच लो भरोसा चाहिए या फिर नहीं घुमाना है, तो डिपेंड्स। तो इनफैक्ट यही इमोशनल अत्याचार करते हैं आप पर। वही तो कह रही हूँ, तो मैं थोड़े चांसेस दे रही हूँ, फिर वो ही आजमाना पड़ेगा, बिना बोले बाहर घूमना पड़ेगा और क्या। आप नहीं करते इमोशनल अत्याचार? करते हैं ना आजकल, तो एक सप्पा अपना रहे। अब जैसे गुस्सा होता है सुबह, बिना कि हम मतलब ये ऑफिस नहीं जाते, तो अगर मैं गुस्सा हूँ, मूड खराब है, नहीं कर रही हूँ, तो डायलॉग मारते हैं, सोच लो वैसे ही से अंधेरी में ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ हो गया हादसा वादसा, तो तुम रिग्रेट करोगे कि लास्ट जाते थे मैंने हग नहीं किया। ऐसा चलो, तो आपकी बातों से एक बात तो पता चली कि मिसेस तिवारी इमोशनल अत्याचार बहुत करती हैं। हाँ हाँ। अब बताइए आप लोगों के इमोशनल अत्याचार की कहानी। जब मुझे शॉपिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है, कभी कुछ खरीदना होता है तो मतलब मैंने कुछ पसंद नहीं आता है ना, बोलते कि नहीं रहने दो, फिर मैं बोलती हूँ नहीं मुझे तो लेना है, चुपचाप से दिला रहे हो नहीं दिला रहे हो। मैं चलो घर में मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो फिर मुझे दिला देते हैं।
आप बताइए इमोशनल अत्याचार आप कैसे करते हैं? एक्चुअली मैं इमोशनल अत्याचार ज्यादा नहीं करता, बट ऐसा होता है कि मैं इनके इमोशनल अत्याचार में भेज जाता हूँ कई बार। तो जैसे बाहर से हम घूम फिर के आए, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ आज क्या बन रहा है, बोला आज तो मेरी हालत बहुत बुरी है, आज तो बिल्कुल दर्द हो गया, आप प्लीज ना मेरी हेल्प कर दो ना ऐसे करके। मैंने गलती कर दी, शादी से पहले बता दिया कि मुझे शौक है कुकिंग का, ठीक है। चलो बातों से तो पता चल रहा है कि मिसेस तवर इमोशनल अत्याचार अच्छा खासा कर लेती है, लेकिन आपने भी कुछ कम नहीं किया है, कुछ छुपा रहे हैं? हाँ, ये पहली बार जब मायके जा रही थी तो क्या हुआ? एक्चुअली ये जा रही थी तो मतलब मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को जाना है, तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया, बोले अभी भी तो आई हो, जस्ट नई नई शादी हुई है, थोड़ा दिनों रुक के जाओ, थोड़ा क्रेज भी रहता है, नई नई बहू आई है। तो इन्होंने फिर मेरे पास फोन किया, एकदम रोते मम्मी ने मना कर दिया, मेरे को जाने नहीं दे रही। मम्मी को फोन लगाया, मम्मी प्लीज एक बार फर्स्ट टाइम है, अभी तो जाने दे, अभी नई नई आई है, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम लंबा रोकना, लंबे टाइम के लिए रोकना। तो अब हर 15-20 दिन में मायके जाने का कोई चक्कर नहीं है? नहीं। आप लोगों का भी कुछ ऐसा नहीं? ऐसा है ना, मेरा स्टडी का है तो फिर हार्डली 2 महीने रोकते हैं, फिर उनको पता है कि कॉलेज चालू तो भेज देते। कहाँ? मायके? ससुराल। ससुराल, या मायके तो मेरा यही है कांदीविली में, ये तो ना ये भेजते और उनका तो सवाल ही नहीं उठता, तो भेजेंगे नहीं, ये खुद नहीं भेजते। क्यों क्यों नहीं भेजते? बहुत बड़ा केस है, अलाउ ही नहीं करते। क्या केस है? क्या केस है भाई बड़ा? सलाह नहीं करते, अगर उनको कहो ना हाँ तुम्हारा घर यहीं पास में है ना, इसे तुमको जाना रहता है बार बार रोज। यार तिवारी ऐसा भी क्या यार? नहीं नहीं, प्रॉब्लम ऐसी है कि ऐसा होता है कि हम लोग साथ में रहते हैं ना, तो लगाव बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब जब मैं सुबह जाता हूँ जब सुबह ऑफिस जाता हूँ तो मुझे चेहरा देखना पसंद है, और जब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ तो मुझे चेहरा देखना पसंद है। एक्चुअली ये फैक्ट है कि अगर घर पे आए तो दरवाजा मैं ही खोलूं, मैं घर पे रहनी चाहिए, इसलिए लाइक अगर मैं मम्मी के घर भी जाती हूँ ना, तो या तो मैं इनके साथ आती हूँ, इनको मिलती हूँ स्टेशन पे, फिर हम साथ में आते हैं, या तो मैं उसके पहले घर आ जाती हूँ, और अगर हम साथ में भी घर में आते तो पहले एंट्री मैं करती हूँ, बाद में ही करते हैं। वेरी गुड यार, मेरे को ना ये इनका प्यार कमाल का लगा। देखो क्या है कि हम ना अक्सर दोनों पति पत्नियां एक दूसरे की कुछ एक चीजें इच्छाएं चाहते हैं वो पूरी कर लेते हैं, वो कभी प्यार होता है और कभी अत्याचार होता है, इमोशनल अत्याचार। क्यों मिस्टर शर्मा? हाँ, तो अभी इसी बात पर हम एक गेम खेलते हैं छोटा सा, हाँ, जिसमें पता चलेगा कौन किसके ऊपर इमोशनल अत्याचार करता है और कौन किससे प्यार करता है। तो हम आपको सिचुएशन देंगे, टॉपिक देंगे, और आपके हाथ में ये प्लग कार्ड्स होंगे, ओके? सवाल पूछने के बाद आपको बताना है कि वो सिचुएशन आपके लिए प्यार है या इमोशनल अत्याचार है। तिवारी से शुरू करते हैं। चलिए है? हाँ ठीक है। घर की सफाई? बिल्कुल पसंद नहीं है सफाई। घर की सफाई मैं करती हूँ ना। सो व्हाट, सम टाइम इमोशनल अत्याचार होता है ना मेरे ऊपर। पंखा साफ करते इमोशनल अत्याचार तो? है। वो प्यार होता है। वो आपके लिए प्यार है लेकिन इनके लिए इमोशनल अत्याचार है। अच्छा, दूसरा सिचुएशन है कि रोमांटिक मूवी देखना। प्यार है, वाह वाह वाह, इतना प्यार है। है है, प्यार बहुत है। क्रिकेट मैच देखना आपके लिए प्यार, आपके लिए इमोशनल अत्याचार। वाइफ का मायके जाना, ये भेजते नहीं है ना, तो मेरे पर तो इमोशनल अत्याचार ही करते हैं। और आप अच्छा अच्छा प्यार है इसलिए जाने नहीं देते। ओहो, लॉन्ग ड्राइव। शॉपिंग। हर पति उनको कंटाला आता है, मींस उनको पसंद ही नहीं आता बीवियों के साथ शॉपिंग करने जाना। तो आपकी शॉपिंग कौन करता है? इनकी शॉपिंग ही नहीं होती ना, इनको मैं गिफ्ट्स लाके देती रहती हूँ। ये मेरे लिए शॉपिंग मतलब थोड़ा मना करते हैं, बट ले जाते हैं, लेकिन उनको वही कंटा जाता है क्योंकि मैं खड़ी रह गई ना, तो मैं पूरे दिन के लिए खड़ी हो जाती हूँ। अच्छा। चलिए तो हम अपने सवाल की पिटारा इनकी तरफ खोलते हैं। जी जी तमर, जी जी, जी। आपसे सवाल पूछते हैं, शॉपिंग क्यों क्यों इमोशनल अत्याचार होता है? 1 सूट 2 सूट 3 सूट 4 सूट। बाहर खाने जाना। अरे वाह, कुकिंग। आपको तो उनका कुकिंग करना ज्यादा पसंद है ना? कभी कभी बनवाती हूँ ना इनसे बस। चलो अच्छी बात, वेरी नाइस। सुबह सुबह जल्दी उठना।
ये क्या है, ये क्या मतलब, इसके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेटली बता दें। कौन सुबह 6 बजे उठता है मतलब? गिफ्ट। शादी से पहले तो बहुत प्यार था, लगता था, अभी अचानक इमोशनल अत्याचार हो गया। गिफ्ट्स की लिमिट होती है ना, मतलब ऐसा तो ना हर दूसरे तीसरे दिन। वेकेशन प्लानिंग, वेरी नाइस। घूमने फिरने वाले, प्यार करने वाले कपल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। इस राउंड में आपके 3 बार प्यार के कार्ड्स मिले थे, आपके 2 बार मिले थे। तो ये तो प्रूव हो गया शर्मा जी कि हम सब एक दूसरों पर इमोशनल अत्याचार करते हैं, लेकिन कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके वजह से आपके रिश्तों पर कुछ फर्क पड़ सकता है, हार्म हो सकता है, दरार आ सकती है? थोड़ा बहुत ही होता है, ज्यादा नहीं होता हमारे बीच में। समटाइम्स बर्तन को लेके हो जाता है, लेकिन बर्तन को लेके मतलब क्या, बर्तन धोने के लेके? हाँ, मैं अगर इरिटेट रहती हूँ ना तो मैं बर्तन नहीं धोती, क्योंकि ना फिर मैं गुस्से में बर्तन तोड़ती हूँ। अभी आपको तो पता चल गया है कि ये इमोशनल अत्याचार करेंगी, मुझे पटाएंगी, मनाएंगी, रूठेंगी, तो आपके रिश्ते पर कभी फर्क नहीं पड़ता? ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, ये तो चलती रहती रिलेशनशिप में, बिकॉज ऐसा नहीं 24 घंटा प्यार ही करोगे या फिर सही बात अप डाउन होता रहता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इनकी डिमांड्स कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है? ऑब्वियसली डिमांड जब ज्यादा बढ़ जाती है तो साफ बोलना ही पड़ता है ना कि देखो पिछली बार 4 झुमके जो खरीदे थे ना वो अभी तक यूज हुए नहीं है और तुमको और चाहिए। मिसेस तनवर, आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी डिमांड ज्यादा है? जब मार्केट जाती हूँ ना तब ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब कुछ नहीं खरीदती, बहुत कुछ खरीद के लेके आती हूँ। सिर्फ खुद के लिए? इनके लिए तो खुद पसंद कर लेते, मैं तो अपने लिए करती हूँ। साइकोलॉजी में बहुत अरसे से इमोशनल अत्याचार पे रिसर्च चल रही है। इस रिसर्च में पाया गया है कि पति पत्नी के बीच में ना छोटी छोटी बातों को लेकर इमोशनल अत्याचार चलता रहता है। वहां तक ठीक है, लेकिन अगर वो बार बार होता रहे और अगर वो हमारे बच्चों में भी वो आदत आ जाए तो वो खतरे की घंटी बन सकती है। लेकिन उसके लिए मेरे पास एक यस थेरेपी है, कमाल की थेरेपी है, सुनिए कैसे। जब भी आपका पार्टनर आपको ब्लैकमेल करने आए तो आप उसे उसके ब्लैकमेलिंग से पहले ही पहले सवाल पे ही यस का जवाब दे दीजिए। अब आपको ये अजीब लगेगा कि पहली बार में यस कह दिया, लेकिन इसका अच्छा असर क्या होगा कि आपका पार्टनर आपके पास जब भी ब्लैकमेल करने आया, आपने यस कहा, तो उसको अपने इमोशनल अत्याचार का थोड़ा सा वो एहसास हो जाएगा और वो खुद आपको आपके पास आकर अपनी बात क्लियरली कह पाएगा। बहुत बढ़िया, ये डर गए हैं इनके चेहरे। ये डरने की चीज ना, करने की चीज है, तो करके देखते हैं, गेम खेल के देखते हैं। अच्छा, तो मैं गेम एक्सप्लेन करती हूँ। ये है हमारा प्यार का बगीचा, पत्नी को पति के पैर के ऊपर खड़ा रहना है और वहां से यहाँ तक आना है, सिंपल। इतना भी सिंपल नहीं है, वो हमारा प्यार का बगीचा है और ये आपका प्यार का घर। आपको क्या करना होगा, हमारे प्यार के गार्डन से एक फूल लेकर अपने प्यार के बगीचे में रखना है, लेकिन हाथ से नहीं, मुंह से। 2 मिनट के अंदर जो कपल ज्यादा से ज्यादा गुलाब अपने प्यार के बगीचे में रखेगा वो हमारे इस शो का ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल होगा। हाँ, और आपको आपके पैर जमीन पर नहीं टच करने हैं और हाथ नहीं छोड़ने हैं। हाँ, क्लियर, ऑल द बेस्ट। तो मिस्टर शर्मा कौन आएंगे अब? मिस्टर मिसेस तवर, प्लीज आइए। तो तैयार है मिस्टर मिसेस तवर? बिल्कुल। और आपका टाइम शुरू होता है अब। गो। Very good. वाह, वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, वाह। टेन, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1, खेल में ज्यादा मजा आया या एक दूसरे के साथ लिपटने का? दोनों में। और आपको भाभी? हाँ, मुझे भी दोनों में। चलिए देखते हैं मिस्टर एंड मिसेस तंवर ने कितने लव गुलाब अपने गार्डन में डाले हैं। हाँ, हाँ, आइए। 1, 2, 3, 4
17, 18, 19, 20. वाह, तालमेल का गेम है, प्यार मोहब्बत का गेम है, देखते हैं आप कैसे पूरा करते हैं। चलिए आइए आइए, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए चलिए चलिए, फर्स्ट डे, कुछ अलग टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा चलने का। संभल के संभल के। Yes, very good, 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 very good, good, not bad. एक दो पंद्रह सोलह, ये आपका गुलदस्ता है। तो मिस्टर शर्मा, आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल हैं मिस्टर एंड मिसेस तवार। तो मिस्टर शर्मा जी, शुरू करें शादी की प्रक्रिया। चलिए, हमारे घर में एक छोटी सी परंपरा है आठवां वचन लेने की। शादी में तो हम सात वचन लेते हैं और बाद में भूल भी जाते हैं। मेरा आठवां वचन यह है कि मैं अब निगेटिव थॉट्स लेकर अपनी बीवी को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा आठवां वचन ये है कि मैं अब इनको इमोशनली अत्याचार नहीं करूंगी, अपने थोड़ा घूमने पे कंट्रोल करूंगी और थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम दूंगी। मतलब इनको इमोशनल अत्याचार करना कम कर दूंगी और शॉपिंग करना कम कर दूंगी। वेरी गुड, बहुत। और मैं भी वचन लेता हूँ कि अब से नाश्ता टाइम पे कर लिया करूँगा और टाइम पे उठा करूँगा सुबह।